प्रवासी मजदूरों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। घर वापसी का यह सिलसिला हर क्षेत्र को भारी पड़ रहा है। अब तो बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं जहां कोरोना अपना पांव नहीं पसार चुका हो। यूं कहें कि जब से प्रवासी को लाने की शुरुआत हुई है तब से कोरोना का मीटर राज्य भर में बढ़ गया है। अब तो सभी जिलों में इसका संक्रमण हो चला है। इसका सीधा असर अपने प्रमंडल क्षेत्र में भी दिख रहा है। वहीं बात करें तो आज बिहार में 7वीं मौत कोरोना से हो गई है। लगातार मिल रहे मरीजों की वजह से बिहार में यह आंकड़ा 932 तक जा पहुंचा है और आज एक साथ 24 मरीज विभिन्न जिलों में मिले हैं। इसमें अपने मुजफ्फरपुर में 3, मधुबनी में भी 1 मरीज मिलने की बात सामने आई है। इसी के साथ बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 932 हो चला है और ये सोचने की बात है, चिंता की बात है कि अब तक करीब 2,00,000 लोग अपने घरों को लौट चुके हैं विभिन्न स्थानों से, जिसे सरकार ने ट्रेनों के माध्यम से पहुंचाया और उनके आने के साथ साथ कोरोना का मीटर भी बहुत तेज़ी से बढ़ चला है, जो आम लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। कहीं यह भी दिल्ली की तरह या फिर महाराष्ट्र की तरह बढ़ता ही ना चला जाए, ताकि फिर हमें उनकी ही तरह सोचना पड़े, एहतियात के कदम और कड़े करने पड़ें। हम गौर करें इन बातों पर तो बिना सावधानी और पूर्व तैयारी के बुलाए गए इन मजदूरों की वजह से ही कोरोना का मीटर बढ़ता महसूस हो रहा है। कहने को तो हम एहतियात बरत रहे हैं, सारी तैयारियां सावधानियां बरत रहे हैं, लेकिन हम कोरोना के ग्राफ को नीचा करने में अब तक कामयाब नहीं हो सके। हाँ, ये अच्छी बात है कि करीब 932 कुल मरीजों में से करीब 300 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, उन्होंने कोरोना की जंग जीत ली है। इसमें हमारा दरभंगा ज़िला भी है जहां 3 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। ये एक सुखदायी खबर है, लेकिन साथ ही चिंता की बात यह कि हम आखिर कब तक इस कोरोना की जंग में यूं ही आंकड़ों की गिनती करते रहेंगे और ये आंकड़ा ऊपर की ओर ही जाता रहेगा, ग्राफ नीचे गिरने की बात नहीं आ रही है। हमारे प्रमंडल के विभिन्न जिलों में इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप आंकड़ों पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि जब से मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला शुरू किया गया है तब से अचानक कोरोना के ग्राफ में बहुत तेज़ी से उठाव दिख रहा है। इसे रोकने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। सभी क्षेत्रों में क्वारंटाइन सेंटरों को दुरुस्त और कड़ी निगरानी में रखना पड़ेगा। साथ ही लौटने वालों को बहुत सतर्कता के साथ आने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। हम एक नज़र डालें अब तक के जिलावार आंकड़ों पर तो बिहार के मुंगेर जिले में कुल 116 मरीज हो चुके हैं, पटना में 94, इन आंकड़ों में रोहतास 75 पर अटका पड़ा है, नालंदा में 63, बक्सर में 59, बेगूसराय में 43, सिवान में 38, कैमूर में 33, मधुबनी में 31, खगड़िया में 30, भागलपुर में 32, पश्चिम चंपारण में 25, नवादा में 24 और गोपालगंज में भी 24, जहानाबाद में 21, भोजपुर में 28 मरीजों ने कोरोना के साथ अपनी जंग जारी की हुई है, औरंगाबाद में 17, दरभंगा में 16, पूर्वी चंपारण में 14, मुजफ्फरपुर में 15, अरवल और कटिहार में 12-12 मरीजों ने कोरोना का जंग साथ लड़ने का अपना प्रण जारी रखा है। समस्तीपुर में 11, सारण में और सहरसा में 10-10 मरीजों के साथ, शेखपुरा भी 10 मरीजों के साथ इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। किशनगंज,
में 9, मधेपुरा में 9, गया में 8, सीतामढ़ी में 7, बांका में 11, लखीसराय में 5, अररिया में 4, वैशाली में 4 और सुपौल में 4, पूर्णिया में 4, शिवहर में 3 और जमुई में 1 मरीज कोरोना के हैं जिनका इलाज चल रहा है। यानी कुल मिलाकर 932 मरीजों का आंकड़ा बिहार में पहुंच चुका है और इसमें 300 मरीज करीब ठीक हो चुके हैं। लेकिन कोरोना से होने वाली मौतों की बात करें तो कुल अब तक 7 मौतें दर्ज की गई है जो कोरोना के विभिन्न जिलों में इलाजरत लोगों की सामने आई है। इसमें मुंगेर में 1 मरीज की मौत होने की सूचना है, वहीं पटना में 2, रोहतास में 1 और पूर्वी चंपारण में 1 मरीज के मौत का मामला सामने आया है। वहीं सीतामढ़ी में 1 और वैशाली में भी 1 मौत होने की जानकारी है। हम इन मौतों की वजहों पर गौर करें तो अधिकांश ऐसे लोग थे जिन्हें पहले से कई बीमारियां थीं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर था जिस वजह से उन्हें कोरोना ने अपने गिरफ्त में ले लिया और उन्हें प्राण न्यौछावर करने पर त्यागना पड़ा अपना प्राण कोरोना की इस जंग में। हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करें ताकि कोरोना का प्रहार झेल सकें हम और इस महामारी से उबरने के लिए बताए जा रहे तरीकों का भी इस्तेमाल करें तो हम इस कोरोना की जंग को मात दे सकते हैं और इस जंग को जीत सकते हैं। इन मजदूरों को देखिए जो अभी अभी लौट रहे हैं हरियाणा से। इन मजदूरों को जब वहाँ काम नहीं मिला और खाने पीने पर आफत बन पड़ी तो इन लोगों ने घरों का रुख किया, सीधे रवाना हो गए, पैदल ही चल पड़े घरों की ओर और बसों की बात तो कौन कहे, ट्रकों पर लिफ्ट लेकर पहुँचे दूसरे जगह, फिर वहाँ से रिक्शे या दूसरे किसी सवारी के सहारे किसी प्रकार आज अपने घर पहुँचने के लिए दरभंगा के रास्ते सहरसा को रवाना हो रहे हैं। इन मजदूरों की जब आप बीती आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे में कोरोना की जंग तो हम खूब जीत चुके, क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों ने अपनी व्यथा सुनाई और अपना वाकया बताया यह तो दर्शा रहा था कि कैसे भी अगर ये संभवतः पॉजिटिव हो या निगेटिव ये कोई जानता नहीं, क्योंकि ये बिना जाँच के यहाँ पहुँचे हैं, तो ऐसे मरीजों के साथ कोरोना भी साथ साथ पहुंच सकता है और कोरोना के ग्राफ को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। वो लोग अनाज भी दे रहे थे, बना के तुम लोग खाओ, लेकिन इधर आने के बाद थोड़ा दिक्कत हो गई, इसलिए कि यहाँ थोड़ा कुछ आदमी ज्यादा डर रहे हैं, इसके लिए कोई खास दिक्कत हो रहा है और कोई बात नहीं है। और बात बाकी ये है कि यहाँ का जो सरकार सुविधा दे रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी है। हालांकि वो बोल रहे हैं कि वहाँ कम से कम हमारा सरकार तो हमें हेल्प करना चाहिए इतना दूर में है तो ट्रेन से क्यों नहीं आया, इतने लोग तो ट्रेन से आ रहे तो आप क्यों नहीं आए? ट्रेन से इसलिए नहीं आया कि ट्रेन का बोल रहे थे कि 4 तारीख से ट्रेन चालू हो जाएगा, लेकिन इंतजार करते करते 10 तारीख हो गया, लास्ट में हम लोग जो है ना पैदल ही चल दिए, हमें तो अपना ट्रेन रखे अपने पास ही, हम लोग को पैदल ही चलना निकल दिए। कहाँ जाना है? हम लोग को जाना है सहरसा डिस्ट्रिक्ट जाना है। कहीं पे कोई रोका नहीं? कहीं पे कोई रोका नहीं, रोकेंगे क्या रोकेंगे, पुलिस प्रशासन कहेंगे रुकती है तो वो बोलते फिर बाद में कि जाइए कोई बात नहीं है, और कहेंगे तो ऐसा भी होता है कि वो जो ना रुकवा करके गाड़ी बैठवा देते हैं। तो कितने लोग आप लोग जा रहे हैं साथ में? हम लोग आ रहे हैं हरियाणा से, लगभग 5 आदमी। कितने आदमी? 5 आदमी। तो कहीं पे कोई जाँच उच किया कि नहीं किया? जाँच तो हुआ है 3-4 जगह, इससे पहले हमारा वहाँ हरियाणा के अंदर भी रूम के अंदर कैंप के अंदर जो है 3 बार जांच हुआ था उसकी, वहाँ भी उसके बाद राष्ट्रीय में भी जांच हुआ उसका, फिर अपने बॉर्डर भी जांच हुआ है। नीतीश कुमार के खिलाफ हम गुस्सा इसलिए हैं कि वो हमने उनको कुर्सी पर बैठाया, हमने उनको सरकार बनाया, लेकिन आज वो हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो अपने जवान को बंद कर रखे हैं, इसका क्या मतलब है? अगर कोई ऐसी बात है तो वो खुल के बोल दे कि भाई इस तरह की बात है या नहीं, तो फिर वो अपने समझ गए आगे हमको क्या करना है नहीं करना।